Hello friends, this lecture is also available in the English language. If you want to watch in the English language, you can take the link in the description of this video. Assalamu alaikum and namaste friends. Aaj jo hamara topic hai wo traffic signal control program hai in Delta PLC lecture number 29 hai. Hamare channel ko subscribe karna na bhulega. Agar aapko is video mein learning hasil hoti hai to lazmi isko like aur doston ke saath share kijiyega. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उसमें तीन लाइट्स होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन. तो आज जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो ये होगा कि जैसे ही हम स्टार्ट बटन का बटन प्रेस करते हैं तो जो हमारी रेड एलईडी है वो 10 सेकंड के लिए ऑन होगी, उसके बाद वो ऑफ हो जाएगी और हमारी येलो लाइट है वो ऑन हो जाएगी. फिर सेम 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगी और ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो जाएगी. और 10 सेकंड के बाद ग्रीन ऑफ होगी तो अगेन हमारी येलो लाइट ऑन हो जाएगी. येलो के बाद अगेन हमारी रेड लाइट ऑन होगी. इस तरह ये जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक रन होता रहेगा. तो आइए हम अपने VPL सॉफ्टवेयर में इसको बनाने की ट्राई करते हैं. पहले जो हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लेक्चर नंबर हमारा ये 20, लेक्चर जो है हमारा ये 29 है और जो हमारी PLC है ES2 है. ओके किया. अब इसके बाद मैं ऑन ऑफ बटन बनाऊंगा. ये हमारा स्टार्ट बटन है. और ये हमारा X1 जो है ना वो ऑफ बटन है, स्टॉप. ठीक है. उसके बाद हमने इसको, जैसे हम जानते हैं कि एक आउटपुट लेंगे Y0 और इसके साथ हम इसको हम लैचिंग करवा देंगे. तो ये हमारा एक स्टार्ट ऑन ऑफ बटन बन गया. यहाँ पे Y0 लगाएंगे. ठीक है. इसके बाद मैं तीन आउटपुट लेता हूँ LEDs के लिए. जो पहली है मेरी Y1 है वो रेड लाइट के लिए, जो सेकंड है ग्रीन लाइट के लिए, और जो हम सॉरी जो हमारी लास्ट वन है Y3 है ना हमारी, वो ग्रीन लाइट के लिए. इस पर ये Y2 होगी हमारी, ये येलो लाइट के लिए होगी. ठीक है. इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. अब मैं जैसा कि स्टार बटन मैंने बनाया, इनको पहले मैं इंटरलॉक करूँगा. इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं कि इंटरलॉकिंग का मतलब है कि ये तीनों में से जब भी लाइट ऑन एक होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी. तो इसके लिए मैं इंटरलॉकिंग करूँगा. इंटरलॉकिंग के लिए मैं नॉर्मली क्लोज Y1, क्योंकि ये मेरा Y1 है तो यहाँ पे मैं Y2 लूँगा और Y3 लूँगा. ठीक है. ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. तो यहाँ पे इसमें पेस्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. तो यहाँ पे Y2 है तो Y2 को मैं ख़त्म करूँगा और यहाँ पे Y1 लगा दूँगा. ओके. ये Y3 है तो मैं Y3 को यहाँ पे ख़त्म करके Y1 लगा दूँगा. ठीक है. ये इंटरलॉकिंग होगी, ये सब लाइट्स की आपस में कि एट अ टाइम एक लाइट ऑन होगी. उसके बाद मैं स्टार का बटन प्रेस करूँ तो मेरी जो रेड LED है वो ऑन हो जाए. तो यहाँ पे मैं स्टार का बटन लगा देते हैं. ठीक है. जो हमारी मैजिक है इसका है कमेंट ऑन. ठीक है. उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है, 10 सेकंड के लिए ये जो हमारी LED है वो ऑन हो.
इसमें मैं एक टाइमर लूँगा जो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। जैसे ही मेरी ये Y1 ऑन होती है, Y1 रेड लाइट ऑन होती है, तो एक टाइमर को ऑन करवा दें। टाइमर मैं यहाँ पे T0 लिया और K की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 60, तो टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये टाइमर की वैल्यू हमारी ऑन होती है 10 सेकंड के बाद, तो ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑफ ही कंडीशन लगा देता हूँ कि 10 सेकंड के बाद ये लाइट को ऑफ कर दे, ये टाइमर हमारा 0 है। ठीक है, जैसे ही ये 10 सेकंड सॉरी जितनी ये K60 है, 6 सेकंड के बाद जैसे ये लाइट जो हमारा टाइमर क्या जो टाइमिंग काउंटिंग ख़त्म होगी, तो ये क्या होगा हमारी इस लाइट को ऑफ करवा देगा, क्योंकि ये लॉजिकली ऑन होगी तो ये ऑफ है, तो ये लॉजिक फुलफिल नहीं होगा तो इसको ऑफ कर देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मेरा ये T0 ऑन होगा, तो ये हमारी जो येलो LED है उसको सिग्नल देगा कि वो ऑन हो जाए। यहाँ पे इसको मैंने T0 लगाया। ठीक है, इंसर्ट में फिर उसमें ऐड करते हैं। इसमें मैंने एक जैसे ये टाइमर ऑन होगा तो ये Y1 को ऑफ करवा देगा। अगर हमारी Y1 ऑफ हो जाती है तो हमारा जो टाइमर वो तो रुक जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मैं लॉजिक लगाता हूँ T0 होगा ऑन का, ठीक है, कि जैसे ही ये रेड लाइट ऑफ होती है तो ये T0 में ऑन होगा तो इसको ये बाईपास कर देगा। ठीक है, और T0 जैसे ऑन होगा तो ये हमारे Y2 को ऑन कर देगा। यहाँ पे इंसर्ट रो करते हैं, Y2 जैसे ऑन होगा तो हमारा जैसे पे लॉजिक में आएगा 10 सेकंड के लिए येलो लाइट ऑन होनी चाहिए, तो इसके लिए हम टाइमर यूज़ करेंगे। लॉजिक होगा जैसे Y2 ऑन होता है येलो लाइट, तो एक टाइमर को वो सेट करवा देगा TMR टाइमर। ये टाइमर हम लेते हैं T1 लेते हैं, सिक्सटी की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टाइमर अपनी काउंटिंग ख़त्म करेगा तो यहाँ पे हम सेम वैसे जो पहले लॉजिक लगाया हमने कि यहाँ पे टी जो है हमारा 1 इस लाइट को ऑफ करवा देगा 60 सेकंड के बाद। और यहाँ पे भी हम टाइमर T1 का लगा देते हैं कि ये इसके बाद ये भी टाइमर हमारा बंद हो जाए जैसे हमारा टाइमर 1 ऑन होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ये टाइमर की काउंटिंग ख़त्म होगी, ये टाइमर ऑन होगा तो ये हमारी ग्रीन लाइट को ऑन करवा दे। ठीक है, जैसे ये टाइमर ऑन होगा तो हमारी Y3 की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, सेम वही कि Y3 जैसे ऑन होगी तो हमारे 10 सेकंड का 6 सेकंड का जो टाइमर हमने यूज कर दिया सब में वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ मैं टाइमर लूँगा 2। टाइमर हमारा ये 2 है, के की वैल्यू हमारी 60 यूज कर रहे हम। ठीक है,
तो जैसे ये टाइमर अपनी काउंटिंग ख़त्म करेगा तो ये माय Y3 को ऑफ करवा देगा। टाइमर लगती है तो Y3 को ऑफ करवा देगा, और सेम हम यहाँ पे T1 को भी इस टाइमर से ऑफ करवा देंगे जो हमने पहले लॉजिक को यूज़ किया है रेड लाइट के लिए। ठीक है, और सेम यहाँ पे हमने जो यहाँ पे ये बनाया लैचिंग के लिए T0 के साथ, तो इसमें भी हम लैचिंग करेंगे T1 के साथ। इंसर्ट एरो, तो यहाँ पे हम T1 ठीक है, तो सेम यहाँ पे करेंगे T2 को हम यहाँ पे लैच करेंगे। इसके बाद हमने इसको लैच कर दिया T2 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम एक और टाइमर लेंगे T3 जो ऑन करेगा T2। T2 हम इसको ऑन करवाने के लिए यूज़ करते हैं इनपुट, और एक टाइमर हम यूज़ करेंगे T3। के हमारा जो है वो 60 जो एल प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो T2 जैसे ही हमारा ऑन होगा तो हमारा ये T3 जैसे हमारा ऑन होगा तो T2 को ये ऑफ करवा देगा। T3 हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा तकरीबन हाफ प्रोग्राम बन गया, इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम बने इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल प्रोग्राम नज़र आ सके। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और इसको मैं सिमुलेट करने के बाद ऑन बटन को प्रेस करता हूँ। इसको मेरी PLC अभी ऑफ है, इसको ऑन करते हैं। अब देखेंगे कि टाइमर ऑन हो रहा है, हमारी ये Y1 ऑन है। जैसे Y1 ऑफ, रेड लाइट हमारी ऑफ हुई है तो Y2 लाइट ऑन हो गई है, उसके बाद हमारी ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, अगेन माई Y1 ऑन हो गई है। पर हमारी लॉजिक में क्या था कि जैसे Y3 ऑफ हो तो अगेन येलो लाइट ऑन हो। अभी जो सीक्वेंस चल रहा है वो चल रहा है कि जैसे Y2 ऑफ होती है तो Y3 ऑन हो जाती है, जैसे Y3 ऑफ होती है तो अभी Y1 ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लॉजिक में थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि एक इन्वर्स कमांड होती है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इंसर्ट रो करूँगा और जो हमारा टाइमर 2 है उसके साथ मैं कंडीशन लगाऊँगा कि टाइमर 2 T2 ठीक है, उसके साथ एक इनवर्स कमांड होगी जो हमारी मेमोरी को ऑन करवाएगा। मेमोरी को एज आउटपुट हम यूज करेंगे M0। ठीक है, अब इस टाइमर 2 को जैसे ये टाइमर 2 यूज़ हो रहा है हमारे Y3 के लिए, जैसे ये टाइमर 2 अपनी जो कंडीशन है ख़त्म करता है, अपनी टाइमर को ख़त्म करता है, तो ये हमारी येलो लाइट को ऑन कर दे। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन ऐड करता हूँ, इंसर्ट ए रो, इंसर्ट ए रो
उसके बाद मैं यहाँ पे टाइमर टू को T2 को यूज़ करता हूँ, और जो मैंने यहाँ पे M0 लिया उसको मैं Y1 के साथ नॉर्मली ओपन कमांड लगा के इसको यूज़ कर देता हूँ। इसलिए किया ताकि मुझे जब हमारी ग्रीन लाइट की जो कंडीशन ख़त्म होगी तो उस टाइम दोनों ये कंडीशन फुलफिल होने का जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो जाए। मगर ये M0 क्या करेगा कि M0 इसका इन्वर्स है T0 का। अगर T2 ऑन होगा तो ये अपनी कंडीशन को ऑफ कर लेगा, तो ये कंडीशन ऑन नहीं होगी हमारी रेड LED लाइट की। इसे हम कंपाइल करते हैं। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। रन करते हैं। सब ऑन किए तो हमारा ये अब देखें रेड LED हमारी ऑन हो गई है, उसके बाद वाइट टू ऑन हो गई है, उसके बाद वाइट थ्री ऑन हो गई है, उसके बाद अगेन वाइट टू ऑन हुई है, जो हमारी कंडीशन थी वाइट टू ऑन हो गई है, उसके बाद अगेन वाई वन ऑन। ठीक है, जो हमारा सीक्वेंस आप क्वेश्चन में वो उसके मुताबिक है कि पहले रेड लाइट फिर येलो फिर ग्रीन फिर ग्रीन फिर येलो फिर रेड, तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अभी हमारी ग्रीन लाइट ऑन है, उसके बाद ये येलो अगेन ऑन हो गई है, तो येलो के बाद अगेन हमारी रेड लाइट ऑन हो जाएगी, रेड लाइट। ठीक है, तो अगर इसको मैं स्टॉप करूँगा तो ये सीक्वेंस जैसे ख़त्म होगा। इसको हम सेट ऑफ करते हैं और इसको भी सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अभी सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, येलो की के बाद रेड के बाद हमारा जो रेड का येलो का जो सीक्वेंस ऑफ हो गया, क्योंकि हमने ऑन बटन को ऑफ कर दिया। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम को लेके तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी क्वेश्चन को रेज कीजिएगा। ओके, बाय।